सीरीज, और आई कैन से कि ये जो लेक्चर है ये इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज है, और ये सीरीज चलेगी, ठीक है? और ये सीरीज में मैं कवर करूंगी फ्रॉम द वेरी बेसिक बेसिक क्वेश्चन से लेकर आपके एडवांस, यानी अप्लाइड भी चलेगा इसमें, ठीक है? अप्लाइड पोर्शन यानी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे, स्टैटिक पोर्शन होगा। स्टैटिक में मैं बेसिक क्वेश्चन से उठाऊंगी, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन से। इसीलिए ये इस तरीके की सीरीज होगी। इस प्लांट इस स्ट्रक्चर में मैंने प्लान किया है कि आपका यूपीएससी से लेकर आपके जितने स्टेट एग्जाम्स हैं, पीसीएस एग्जाम्स हैं, बैंकिंग है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम सारे कवर हो जाए, ठीक है? एक ऐसा धमाका सीरीज कह सकते हैं कि जिसमें सारे एग्जाम्स कवर होंगे, हर छोटा बड़ा एग्जाम कवर होगा, क्योंकि कभी कभी टफ एग्जामिनेशंस, वो अगर यूपीएससी जैसे ले लो तो उसमें कभी कभी फैक्चुअल या कभी कभी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, या एडवांस क्वेश्चंस के लिए भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि भारत की जो वेल्थ है उसके ड्रेन होने के पीछे क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर वन, विच अमंग द फॉलोइंग लेड टू दी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। स्टेटमेंट वन, पेमेंट्स फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। पहली स्टेटमेंट ये कहता है कि ब्रिटेन में जितनी भी ऑफिस सेटअप थे, जितने भी सेटअप थे, उनके जितना भी खर्चा था वो भारत की इनकम से निकाला जाता था, पेमेंट किया जाता था। बिल्कुल सही। एक्सपेंडिचर ऑन वॉर फाउट बाय द इंडियन किंग्स, नहीं। पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। सबसे पहले ये देख लेना करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। ब्रिटिश का भारत में आने से पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मौजूद थी भारत के अंदर। भारत यानी कृषि के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करता था। सही है। ब्रिटिश ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम एन एग्रीरियन कंट्री टू प्रोड्यूसर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ब्रिटिश की ये देन है कि उन्होंने भारत की कृषि प्रधान कंट्री को फाइनल गुड्स का प्रोड्यूसर बना डाला। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं था, बल्कि इन्होंने उल्टा किया। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। गलत। भारत का जो व्यापार था वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं था, हम दूसरे देशों के साथ भी काम करते थे। बट ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। सेकंड एंड थर्ड विल बी दी करेक्ट ऑप्शन एज पर दी आस्किंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो आपका बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर द मेन फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या भारत आज़ादी के टाइम पे क्या भारत अर्बेनाइज इकोनॉमी था? बिल्कुल भी नहीं। शहरीकरण था हमारे भारत में? नहीं था। ब्रिटिशर्स ने तो हमारी वैसी जान निकाल डाली थी। क्या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी था? नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एलिमिनेशन पे जाओगे तो जहाँ जहाँ वन है वहाँ काट दो। बचा क्या? सेकंड ऑप्शन। सेमी फ्यूडल था, बिल्कुल था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की ही देन थी जिन्होंने हमारे भारत की जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम था वो दो भागों में इस तरीके से बांटा कि दो क्लासेस का जन्म होता है। एक तरफ आपके जमींदार थे, दूसरी तरफ आपके लैंडलेस टेनेंट्स और कल्टीवेटर्स, जो आज भी कहीं ना कहीं प्रचलित है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया वॉज एन एक्सपोर्टर ऑफ। हम क्या चीज़ बेचते थे? आयरन बॉक्साइट, स्टील, मशीनरी, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर डाला था इंडियंस के साथ, वी वर फोर्सफुली टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हम महंगी वस्तु फाइनल प्रोडक्ट्स कहाँ से खरीदते थे? ब्रिटिश से, ब्रिटेन से। ऐसा ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया, ठीक है जी? पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन होने का कारण क्या था भारत के अंदर। भारत एक टाइम पे हैंडीक्राफ्ट में माहिर था, आज भी है। आज भी आप देखोगे हैंडीक्राफ्ट महंगे वस्तु महंगे प्रोडक्ट्स है एज कम्पेयर टू दी पॉलिस्टर वन, है ना? तो ब्रिटिश टाइम पे क्या रीज़न था? ब्रिटिश टाइम पे रीज़न था इसके डिक्लाइन होने का, दे एक्सप्लाइटेड फार्मर्स, दे वर अलाउड फ्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हैवी ड्यूटीज वॉज इम्पोज ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, नन ऑफ द अबव। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स पे, हम हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो कपड़े होते थे वो दूर दूर दराशों में बेचा करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हैवी ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे हमारा वस्तु इतना महंगा हुआ कि बाहर की मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्डनेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम? हाई लिटरेसी रेट, हाई बर्थ एंड डेथ रेट, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ द अबव। चारों ही, तीनों ही मौजूद थे। भारत के पिछड़े होने के पीछे कारण यही था कि हम बहुत ही, हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट था, जन्म जो जनसंख्या वो ज़्यादा था, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में तीन तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर इन तीनों सेक्टरों में वर्किंग पॉपुलेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग प्राइमरी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग सेकेंडरी में, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इस तरह के का, ठीक है जी। विद रेफरेंस टू ग्रीन रेवोल्यूशन, हम सबको पता है हरित क्रांति के बारे में, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए, इट इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशियंट अमाउंट्स ऑफ द फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ बफर स्टॉक, बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स दैट वर यूज्ड वर पेस्ट रेसिस्टेंट, बेसिकली इट वॉज प्रॉन टू पेस्ट, तो ये गलत है। फर्स्ट फेज में यूज ऑफ HYV सीड्स वर कन्फाइंड टू मोर एफ्लुएंट स्टेट्स, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाई दी ग्रीन रेवोल्यूशन, सही है। हमें पूछा है गलत, तो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रकार के सिस्टम में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोगों के बीच में, नॉट बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, लोग क्या चाहते हैं इस आधार पे नहीं, बल्कि उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उनकी क्रय शक्ति क्या है, यानी कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही महंगी वस्तु खरीद पाएगा। ये आपका सिस्टम कहलाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिज्म। 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस लेक्चर, ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना के इनिशियल स्टेज पे क्या हुआ था? स्पेशल कंसेशंस फॉर गिवन टू द इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग गुड्स टू बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर इंपोर्ट गुड्स, गुड्स मंगाने से अच्छा है कि उनको कंसेशन दिया जाए ताकि भारत के अंदर इंडस्ट्रीज सेटअप हो सके। ऐसी स्ट्रैटेजी को क्या कहा जाता है? आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, इनवर्ड लुकिंग, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी, नो, करेक्ट आंसर इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो इसके साथ आज सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस कवर किए थे, इसके साथ आज का लेक्चर मैं यही ख़त्म करती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड यू कैन शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।